पंजाबिस्तान दी जानिब तो जनाब आनंद लहर जी दी एक कहानी बटवारा, जिस दा हिंदी तो पंजाबी अनुवाद जनाब डॉक्टर हरपाल सिंह पन्नू जी ने किया है। गल खास नहीं सी, एवें वध गई। एक मुंडे दी गेंद कुड़ी दे कड़े नाल टकरा गई। ना कड़ा टुटा ना गेंद विच चिब पिया, पर नफरत दी हवा दा की पता कदों वग पए किवें वग पए। पंचायत बुला ली, पर सरपंच इस पिंड दा नहीं बाहरों गवांढ दा सी। सरपंच ने जोर दे के कहा, इस पिंड दे लोग शरीफ ने, सो बचा हो गया। कोई होर हुंदा तां कड़ा भन दिंदा जां गेंद तोड़ दिंदा। यह सुन के लोगों ने एक दूजे ते हमला कर दिता। गेंद टोटे टोटे, कड़ा ठीकरी ठीकरी। कुछ शांति हुई, सरपंच फिर आ गया। हिंसा की निंदा करद्या कहा, भाईओ आपे तो बाहर नहीं होना, रब का वास्ता एक दूजे के घर ना फूकने। सरपंच के जान पिछों लोगों ने एक दूजे के घर साड़ दिते। दुखी सरपंच फिर पिंड विच आया ते लोकां नूं मत दित्ती, जो हो गया सो हो गया, हुण घर मुड़ उसारने पैणगे, एक दूजे नूं रोकणा ना। लोक एक दूजे नूं उसारी करनों रोकण लगे। सरपंच इस पिंड दा नहीं सी ना, इस लई ज़्यादा हमदर्दी करनी पैंदी, वध हंजू वहाउणे पैंदे, हौके लैंदा। दलीलां नत्थी करके उसने भलाई दा भाषण दिता, कहा जो मर्जी हो जाए, इस पिंड दे टोटे नहीं होने चाहिए। बटवारा बड़ा खौफनाक हुंदा है। एक बंदे ने हैरान होके पूछा, कि पिंड वंडिया भी जा सकता है? सरपंच ने कहा, क्यों, इस विच की औख, पर मैं रब दा वास्ता पा के कहना वंड ठीक नहीं। बस फिर की सी, बटवारा हो गया, पिंड दो हिस्सों विच वंडिया गया। सरपंच ने दुखी होके कहा, मेरी गल तां कोई सुनदा मनदा नहीं, मैं किवें समझावां, ये लोग मैनू बेगाना समझ देने। एक पिंड दे दो पिंड बना के सरपंच तीजे पिंड जा बैठा। कहा करदा, मैं बड़ा उदास हाँ, लोकां दे घर उजड़ गए, सड़कां उदास होईयां, एक दूजे दे घरी आना जाना बंद हो गया। फकीर चंद हकीम परले पिंड रह गया, उस दी दवाई बिना इधरले मरीज मरन लगे। फकीर चंद मरीजा बगैर रोन हाका हो गया। नूरे दी मझ ने नवे दुध होना सी, झोटा दूजे पासे रह गया। सरहद ते सिपाही दी मिन्नत कीती, सिपाही ने कहा पासपोर्ट बनवाओ, वीजा लवाओ। नूरे ने पूछया, मझ दा पासपोर्ट? हाँ, सिपाही ने कहा, नहीं किसे होर रस्ते मझ उधर लै जा। सुनखी नेहा मुटियार होन लगी, उसका पिता चूड़ियां बना के वेचया करदा। पिता नूं पुछण लगी, मेरी मां भी मेरे वांगू गरीब सी पिता जी, किथे आई चलाई चंगी सी, उधरले पिंड दियां सारियां कुड़ियां बुढ़ियां चूड़ियां पहनिया कर दियां। उन्हां लोकां विच ए विश्वास है कि कुड़ियां दियां बाहां खाली होण तां जां मीह पैंदे ही नहीं, जे पैण लगन फिर हटदे नहीं, सब कुछ हड़ा के लै जांदे ने। खाली बाहां तों उन्हां नूं बड़ा डर लगदा धीए, पर की हो सकता है, उधर जा नहीं सकता, वो आ नहीं सकते। सिर्फ लोग नहीं वंडे, वेड़े खेत स्कूल सरावां किताबां सब कुछ वंडिया गया। दूल्हे वास्ते घोड़ी चाहिए सी, मरासी ते उस दी साऊ घोड़ी उधर रह गए। किसी दी इधरों घोड़ी मंग के कम सारिया, पर घोड़ी डर गई। उस वास्ते ढोल ढमका खतरनाक सी, दूल्हे नूं देख के भज गई। मुंडा भज गया, पर सट लगी, बदशगनी हुई। राजकुमार दा मुंडा सख्त बीमार हो गया। सरहद नेड़े उदास चक्कर कटदा राजकुमार फकीर चंद दे पिंड वल देखदा रहिंदा। एक दिन फकीर चंद नजरी पिया तां उच्ची सारी आवाज मार के दवाई दा वास्ता पाया। फकीर चंद ने कहा, ठहर, हुणे आया। दवाई आ गई, पर इधर किवें आए? सिपाही उपर मिन्नत तरले ने असर ना कीता। फकीर चंद ने कहा, दवाई दे जेड़े पैसे मैनू देने सन ओ सिपाही नूं दे दे। इस तरीके दवाई आ गई, मुंडा बच गया, पर लोकां दी जबान किवें फड़ीए। कह रहे सन कि बटवारे दे हक विच सब तो वधीक नारे इस राजू मारे ने ही लाए सन, ओनू की पता सी मुंडा बीमार हो सकदा। इस पिंड विच पाणी दी घाट करके सोका पिया रहिंदा,
उधर हड़ करके फसलां तबाह हुंदियां, भुख दोहें पासे इको जिही, लोग चोरी चोरी लुक छिप इधर उधर आंदे जांदे। एक दिन सरपंच ने दोहां पिंडां विच सद्भावना दा गेड़ा लाया। वह कोई किताब लिखनी चाहुंदा सी, किते लोग उस दे कीते पुन कारज भुल ना जाण। लोकां ने उस दा दोहीं थाईं गर्म जोशी नाल खैर मकदम कीता, पिंड दे बटवारे सदका शुकराना कीता। सरपंच ने अपना भाषण दिता, देखो भाईओ असीं तुहाडा भला कीता हमेशा, हुण अकल तो कम लैणा। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਾਂ ਮਾਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਉੱਪਰ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ। ਬੁਰਾ ਖਿਆਲ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਵੀ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹਥਿਆਰ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਫੱਕਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕਦੀ ਮੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਖ ਵਜਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੀ ਮਸੀਦ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਖ ਵਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਨਸੀਬ ਹੋਈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੇਥੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਮੇਥੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪੁੱਜਦੀ, ਮੇਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਧਰਲੇ ਉੱਧਰਲੇ ਬੇਵਸ। ਨੂਰਦੀਨ ਨੇ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੇਥੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਸਭ ਖਤਮ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਵਿਆਹ ਹੋਵੇਗਾ ਨੂਰਦੀਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮਦਦ ਵਕਤ ਸਿਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਿਉਣ 'ਤੇ ਲਾਨਤ, ਰੁੱਕ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਇਸ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਫਸਵਾ ਦੇਂਗਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ। ਆਖਰ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ, ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਸੁਰੰਗ ਕੱਢ ਲਈ, ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫੱਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਦੀਆਂ ਵਹਿਣ ਬਦਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਧਰਤੀ ਥਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਬਟਵਾਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।